एक जख्मी आदमी की तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में एक मस्जिद के इमाम पर बजरंग दल तथा संघ के सदस्यों ने जानलेवा हमला किया। लेकिन इस घटना की हकीकत क्या है? आलमबाग पुलिस का कहना है कि इमाम पर हमला बाराबंकी के 19 वर्षीय युवक सूरज प्रजापति ने किया था। प्रजापति ने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि मैं मस्जिद के कमरे में चोरी करने के मकसद से गया था, परंतु इमाम को जागा हुआ देखकर मैंने उन पर पाइप से हमला कर दिया। इस प्रकार सोशल मीडिया का दावा कि इमाम पर संघ और बजरंग दल के सदस्यों ने जानलेवा हमला किया पूर्ण रूप से गलत साबित होता है। धन्यवाद।